नमस्कार, मैं रिया और आप देख रही हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उषा डिडवानिया मौजूद है। तो डॉक्टर साहिब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। आज हम पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज के बारे में जानना चाहती हैं कि ये बीमारी होती क्या है और कैसे किसी महिला को परेशान करती। पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसे PID शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं। यह एक क्लिनिकल सिंड्रोम है, कहिए, जिसमें महिलाओं के प्रजनन अंगों में संक्रमण हो जाता है और प्रजनन अंगों में उस गर्भाशय, गर्भनलिका, सर्विक्स, ओवरीज या और उसके आसपास के जो टिश्यू होते हैं उनमें यह इन्फेक्शन होता है। इसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहते हैं। क्यों होती है, अगर बात करें कि एक महिला को, तो के कारण भी हो सकते हैं इसमें इन्फेक्शन कुछ हैं। गोनोरिया है, बैक्टीरिया है, एक तरह का क्लमाइडिया है, ये मेन ऑर्गेनिज्म है जिसके चलते पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है। इसके अलावा भी और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इस बीमारी को पैदा करते हैं। लक्षण अगर बात करें तो लक्षण क्या दिखाई देते हैं किसी महिला के शरीर पे? इसमें पेड़ों में दर्द, पेल्विस में दर्द, सफ़ेद स्राव योनि मार्ग से, पेशेंट हमेशा बोलेगी कि मुझे ल्यूकोरिया हो रहा है, मासिक में गड़बड़ी होती है, आगे पीछे हो जाए मासिक भी, बुखार हो सकते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, अधिक अगर इन्फ्लामेटरी डिजीज अधिक हो तो बहुत तेज फीवर से भी परेशान होती हैं पेशेंट, संभोग करने में भी दर्द होता है और बैक में भी पेन होता है, उसके चलते लो बैक एक होता है, पेशाब करने में दर्द होता है। अगर इस बीमारी को होने में जैसे हुआ है और तो उपचार की अगर बात कर ले, इलाज की बात कर ले, तो इलाज को अगर टाल दिया जाए तो भविष्य में किसी तरह की कोई खतरा है कि बहुत भयानक बीमारी हो सकती है? हाँ, इसके चलते अगर ये इन्फेक्शन ट्यूब गर्भनलिका तक पहुंच जाता है तो गर्भनलिका में रुकावट आ जाती है, उसके चलते उन्हें प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है। कभी अगर प्रेगनेंसी हो गई तो प्रेगनेंसी गर्भनलिका में फंस जाती है, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। क्रॉनिक पेल्विक पेन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बीमारी में, जो महिला को हर समय परेशान किए रहते हैं। और लोअर एब्डोमिनल पेन और डल होना और पेशेंट को भूख नहीं लगना, उसको फीवरिश महसूस होते रहना, इस तरह की प्रॉब्लम उसके बराबर हुए होती रहती है। तो अगर इलाज की बात कर ले या बचाव की बात कर ले तो किस तरीके से इलाज होता है और बचाव है? एक्चुअली पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। यह किसी एक संक्रमित व्यक्ति के साथ संभोग बनाने से दूसरे व्यक्ति को होने का खतरा रहता है। तो दो तीन चीज़ है, एक तो जो आपके सेक्सुअल पार्टनर हैं उनकी और आपकी एक बार जांच हो जाए कि आपको कोई तरह का इन्फेक्शन नहीं है, और दूसरा अगर थोड़ा भी इन्फेक्शन का शक है तो कंडोम यूज़ करना सेफ रहता है। कंडोम यूज़ करने से इसका खतरा कम हो जाता है, बहुत बहुत कम हो जाता है। और एक ये है कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं होने चाहिए। मल्टीपल सेक्स पार्टनर में पता नहीं चलता है कि किसको कहाँ से इन्फेक्शन आ गया, तो कुछ ये इस तरह की सावधानियाँ बरतनी है। और हाइजीन तो इम्पॉर्टेंट है ही किसी भी बीमारी से बचने के लिए। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने हमारे साथ जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
तो आप डॉक्टर उषा डिडवानिया को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के बारे में जानकारी साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।